हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूरा शेड्यूल, पूरा टाइम टेबल, एग्जामिनेशन की डेट, कौन से कैटेगरी में कितनी फ़ी लगनी है और साथ ही साथ हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा होगा, ये सभी चीज़ हम लोग पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हमारा आंसर की कब आने वाला है, ये सभी पूरी डिटेल से हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो विदाउट स्किप किए लास्ट तक आज के इस वीडियो को देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी NCHMCT JEE 2021 से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट के बारे में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 3 फरवरी 2021 से ये जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो चुका है और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 10 मई 2021 शाम के 5 बजे तक। और अब बात कर लेते हैं पेएबल फ़ी के बारे में, और वो भी कैटेगरी वाइज होती है यहाँ पे। तो जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका 1000 यहाँ पे लग रहा है। जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, उनका फ़ी यहाँ पे 700 रखा गया है। जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स या पीडब्ल्यूडी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 450 जो एप्लीकेशन चार्ज है वो रखा गया है। ट्रांसजेंडर के लिए भी यहाँ पे 450 चार्ज जो है वो रखा गया है। एप्लीकेशन में ऑनलाइन करेक्शन करने के लिए आपके पास जो टाइम दिया गया है वो है 12 मई से लेकर के 16 मई 2021 तक का। इस बीच में आप अपना कुछ अगर करेक्शन करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड NTA के वेबसाइट पे डाला जाएगा, लेकिन उसका डेट अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। जैसे ही एडमिट कार्ड आते हैं मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे मोड ऑफ एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम होगा आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देन आता है यहाँ पे पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि MCQs। देन यहाँ पे आगे आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका ये ड्यूरेशन होगा 180 मिनट्स, यानी कि 3 आवर्स का, 3 घंटे की आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। और जो इसकी टाइमिंग है वो है 9 AM to 12 PM। अब आगे बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। तो एग्जामिनेशन सेंटर आपके एडमिट कार्ड पर बताया जाएगा, क्योंकि अभी जब आप अपना फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं सिटी के, तो आप उन चारों सिटी में से किसी एक सिटी में आपका एग्ज़ाम दिया जाएगा। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन है यहाँ पे 12 जून 2021 सैटरडे, यानी कि 12 जून 2021 शनिवार को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आंसर की के बारे में। तो आंसर की आप लोगों का वेबसाइट पे बताया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी अभी तक डेट क्लियर नहीं है। NTA के वेबसाइट पे आएगा, तो जैसे ही आंसर की आती है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा यूट्यूब चैनल के थ्रू। देन यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट के लिए भी अभी तक डेट बताया नहीं गया है। NCHM का रिजल्ट जब आ जाएगा तो मैं आपको वो भी अपने चैनल पर वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया करूँगा। उसके बाद यहाँ नीचे वेबसाइट के बारे में दिया गया है, तो वेबसाइट आप यहाँ पर देख लो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के पास। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो NCHMCT JEE 2021 से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।